अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है एहसान दानिश और आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग ब्रांड्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सेटअप करेंगे SSL सर्टिफिकेट एक वेबसाइट के ऊपर। अगर आपको नहीं पता SSL सर्टिफिकेट क्या होता है, तो बाज़ुकात आप जब वेबसाइट डेवलप करते हो या आपकी वेबसाइट पे इस तरह से शो हो रहा होता है कि नॉन सिक्योर, अगर आप यहाँ पर देखें नॉन सिक्योर कनेक्शन इज़ नॉट सिक्योर। ऑन द अदर हैंड काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा इस तरह से एक लॉग बना होता है और सिक्योर लिखा होता है, कनेक्शन इज सिक्योर। तो आप इसको किस तरह से अपनी वेबसाइट के ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक वेबसाइट पे जाना पड़ेगा जिसका नाम है SSL फॉर फ्री, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद हमें ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है। हमें क्या करना है, हमें अपनी वेबसाइट का URL कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हमने क्रिएट फ्री SSL सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देना है। थोड़ी देर में ये आपका इस तरह से कुछ स्क्रीन शो होगी आपके सामने। आपने मैनुअल वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। मैनुअल वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपने इसको मैनुअल वेरीफाइड डोमेन पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद इसने आपको यहाँ पे दो फाइल्स दे दी हैं, ओके। तो आपने क्या करना है, इन दोनों फाइल्स को कर लेना डाउनलोड। दोनों फाइल्स को डाउनलोड करने के बाद अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जाना है अपने सी पैनल के अंदर जहाँ पे ये डोमेन पड़ी है या आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है। आपने सी पैनल लॉगिन किया। सी पैनल लॉगिन होने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल अपने फाइल मैनेजर के अंदर जाना है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपने पब्लिक HTML के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपकी वेबसाइट की फाइल्स पड़ी हैं जो वेबसाइट आपने इंस्टॉल की है। आपने क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है शो हिडन फाइल्स, सेव। हिडन फाइल्स करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस नाम से एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करना है .well-noun, ओके। अगर ये फोल्डर पहले से क्रिएटेड है तो आपको दोबारा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल फोल्डर पे क्लिक करना है, यहाँ पे उस फोल्डर का नाम लिखना है इस तरह से और क्रिएट कर देना है। क्रिएट करने के बाद इस फोल्डर को ओपन करना है। इस फोल्डर को ओपन करने के बाद इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर आपने बनाना है जिसका नाम होगा एक्मी चैलेंज, ओके। एक्मी चैलेंज आपने इस नाम से उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करना है, राइट, बिल्कुल इसी नाम से। तो दोस्तों, इस एक्मी चैलेंज के फोल्डर के अंदर आपने वो दो फाइल्स पेस्ट करनी है जो वाली फाइल्स हमने यहाँ से डाउनलोड की थी। तो हमने क्या करना है, यहाँ से अपलोड पे क्लिक करना है और यहाँ से वो दोनों फाइल्स सेलेक्ट कर लेनी है जो कि हमने अपलोड करनी है। यहाँ से हम उनकी लोकेशन देख लेंगे कि वो कहाँ पे डाउनलोड हुई हैं, ओके। तो बेसिकली ये दो, ये फाइल है एक और एक आई थिंक ये फाइल है। तो ये दोनों फाइल्स हमने वहाँ पे पेस्ट करनी है। तो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर ली, डाउनलोड्स में चले गए और यहाँ पे एक ये वाली फाइल हमने ओपन कर लिया इसको, और यहाँ पे दूसरी फाइल हमारे पास है इस नेम से, तो हमने इसको ओपन कर लिया। ये दोनों फाइल्स अपलोड हो चुकी हैं। उसके बाद हम क्लिक करेंगे गो बैक। गो बैक करने के बाद यहाँ पे देखें ये दोनों फाइल्स आ चुकी हैं। उसके बाद हम वापस अपनी इसी वेबसाइट पे जाएंगे SSL फॉर फ्री के ऊपर और इनमें से दोनों पे क्लिक करेंगे बारी बारी। सबसे पहले एक पे क्लिक किया। अगर आपके सामने इस तरह से कुछ कोड नज़र आए तो इसका मतलब आपने फाइल्स सक्सेसफुली सही तरह से अपलोड कर दी है। इसी तरह से दूसरी फाइल्स को, तो दोनों फाइल्स आपने सही तरह से अपलोड कर दी हैं। अगर आपको इसकी बजाय कोई एरर नज़र आए तो आपने दोबारा से फाइल सही तरह से अपलोड करना है, ओके। ये कुछ करने के बाद हमने क्या करना है, सिंपल इस पे क्लिक करना है डाउनलोड SSL सर्टिफिकेट। इस पे क्लिक करने के बाद ये आपका SSL सर्टिफिकेट जनरेट कर देगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अपने बैक सी पैनल में जाना है और यहाँ पे देखेंगे आप सिक्योरिटी के सेक्शन के अंदर SSL TLS के नाम से एक ऑप्शन होगा आपके पास। आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने क्लिक करना है मैनेज SSL साइट्स।
इंस्टॉल मैनेज SSL टू योर साइट, ओके। यहाँ से आपने अपनी वो डोमेन सिलेक्ट करनी है, ओके। ये वाली डोमेन थी हमारी, राइट। और अब यहाँ पे क्या चीज़ें फिल करनी है, ये हमारी इसने क्रिएट कर दी है। ये सर्टिफिकेट आपने इसको कॉपी करना है, मेक श्योर कि आप पूरा सर्टिफिकेट कॉपी करें। इसको कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने ये प्राइवेट की कॉपी करनी है और यहाँ इस प्राइवेट की वाले सेक्शन में आके इसको पेस्ट कर देना है। सिमिलरली आपने CA बंडल इस सारे सर्टिफिकेट को कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है और उसके बाद क्लिक कर देना है इंस्टॉल सर्टिफिकेट के ऊपर। ये थोड़ा सा टाइम लेने के बाद इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद अब आपका लास्ट स्टेप है, आपने करना क्या है, आपने अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में बैक जाना है और यहाँ पे आपने प्लगइन ऐड न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लिखना है रियली सिंपल SSL। इस नाम से एक प्लगइन आपने इंस्टॉल करना है, ये वाला प्लगइन सिंपल इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर लेना है और सिंपल यहाँ पे अब आपके सामने वो प्लगइन आ चुका होगा। आपने इसकी सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के आगे सेटिंग और इनको सेम ऐसे ही रहने देना है। ये बिल्कुल आपने बस इसको इस तरह से इंस्टॉल कर देना है, राइट। तो आपने क्या करना है, बेसिकली अभी SSL सर्टिफिकेट सेटअप नहीं हुआ है, विद इन वन डे का टाइम लेता है ये और कम्प्लीटली सक्सेसफुल सेटअप हो जाता है। तो आपने बस ये स्टेप्स करने हैं और आपका SSL सर्टिफिकेट सेटअप हो जाएगा विद इन वन डे। एक दिन का टाइम लेता है, एक दिन के बाद आपको भी यहाँ पे इस तरह से सिक्योरिटी का ऑप्शन नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। आई होप आपको तमाम चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ आ चुकी होंगी। तो अगर आपको ये चीज़ पसंद आई और आप इसी तरह के डिफरेंट सॉल्यूशंस चाह रहे हैं तो नीचे दिए गए बटन के ऊपर प्रेस करके आप सब्सक्राइब मेक श्योर कर लें और मुझसे जुड़े रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।